इंसान की एक बहुत ही विचित्र तरीके की आदत है। वो विचित्र आदत यह है कि हम लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से हमें ट्रीट किया गया है, अब वो चाहे इंटेंशनल हो या ना हो। द वे वी फील अबाउट ourselves ऑफन प्लेज इनटू हाउ वी इंटरैक्ट विद दोज हु आर अराउंड अस। जब हमको ये लगता है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमने जिस तरीके की ज़िंदगी क्रिएट करी है, इट इज़ ईजियर फॉर अस टू सपोर्ट एंड चीयर फॉर अदर्स। लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आता है सीइंग दूसरे लोगों का हैप्पीनेस, दूसरे लोगों का सक्सेस, उनको सपोर्ट करना, उनको चीयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। देर माइट इवन बी अ बर्निंग डिज़ायर टू मिनिमाइज और अंडरमाइन अदर्स टू मेक आवरसेल्व्स फील बेटर, ऑल्सो नोन एज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। आज ये छोटा सा जो वीडियो है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसको किया जा सकता है सॉल्व करने के लिए, और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वर्सेस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये चिड़िया का नाम, ये सारा कुछ आज मैं बताऊंगा स्टाइलर ब्लॉग्स पे। आपको पहली बारी चैनल पे जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के बाद एक कमेंट छोड़ के अपना ओपिनियन ज़रूर देना। और अगर आप सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित इंसान हो या फॉर दैट मैटर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स से ग्रसित इंसान हो, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, पूरा ज़रूर देखना। लेट्स गो। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में एक्चुअली है क्या। कौन है वो इंसान जिसको आप कह सकते हो कि उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जनरली ये सिम्टम्स, जनरली ये सिचुएशन उस इंसान के अंदर पाई जाती है जो कि ओवरली एग्जैजरेटेड, कॉन्फिडेंट और एक इन्फ्लेटेड व्यू रखते हैं अपने आप के बारे में। एज अ रिजल्ट ये कॉज भी करता है कि वो सामने वाले को बहुत ही कॉन्डेंसेंडिंग या डिमीनिंग तरीके से ट्रीट करते हैं, हालांकि उनको कई बारी खुद नहीं पता होता कि दिस इज़ हाउ दे आर कमिंग अक्रॉस टू पीपल, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है कंसिस्टेंटली उसी तरीके से चल रहा होता है। ये जो टर्म है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सबसे पहले दुनिया में आया 20th सेंचुरी में एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है अल्फ्रेड एडलर, जिनके हिसाब से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरीका है खुद का लो सेल्फ एस्टीम और फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और नॉट फीलिंग गुड इनफ उसको छुपाने के लिए। गौरतलब बात यह है कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है कोई एक क्लिनिकल मेंटल हेल्थ डायग्नोसिस नहीं है, बट इट कैन बी थियोरेटिकली कैन बी ट्रीटेड बाय अ थेरेपी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट्स इन एंड अराउंड द वर्ल्ड। कॉमन साइंस क्या है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के, उनके बारे में जानना जरूरी है बिफोर वी कम टू द कंक्लूजन और द वेज ऑफ हाउ टू हैंडल इट और हाउ टू सॉल्व इट। सबसे पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है, द नीड टू बी इन कंट्रोल। ये अनकॉमन चीज़ नहीं है जहाँ पे एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंसान कोशिश करता है सामने वाले को डोमिनेट करने की और वो काम करवाने की जिस तरीके से वो करवाना चाहता है। अगर सामने वाला रिफ्यूज़ करता है तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंसान एग्रेसिव भी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो चैलेंज किया जा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी क्लासरूम में एक ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट अगर आप किसी को देते हो, समवन विद अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये कॉम्प्लेक्स है, वो कोशिश करेगा सामने वाले स्टूडेंट्स को डेलीगेट करने का टास्क को, इवन दो देर इज़ नो डेजिग्नेटेड लीडर और हर किसी को बोला गया है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए। बट देन अगैन समवन विद सुपीरियर कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज गोइंग टू पास ऑन द ड्यूटीज एंड वुड फोर्स पीपल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देम। और वो आता है एक ऐसे बिलीफ से जो कि आपको कहता है कि आप सामने वाले से बेहतर हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको ये पता है कि आप सामने वाले से बेहतर हो तो आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के पेशेंट हो बेसिकली। बट हाँ, अगर आप ये कहते हो कि आप फिज़िक्स में अच्छे हो, आप एस्ट्रोफिज़िक्स अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, पर आपको आपके प्रोफेसर से भी ज़्यादा पता है, इसरो के साइंटिस्ट से भी ज़्यादा पता है, और आप ये कहते हो कि जहाँ वहाँ जो साइंटिस्ट बैठे हैं मैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ है जो कि साबित कर देगी कि आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप ये नहीं बिलीव करते कि आप सामने वाले से बेहतर हो, आप ये बिलीव करते हो कि आप ही हो जिसको सब कुछ पता है। कॉन्फिडेंस होना और अपने स्किल सेट के अंदर यकीन रखना एक अच्छी चीज़ है, पर अगर आपको लगता है कि आपके स्किल सेट के सामने कोई भी नहीं रुक सकता है, वो पहला स्टेज है जहाँ पे आप सुपीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हो और एक्चुअली नार्सिसिस्ट बनने की तरफ जा रहे हो, और उसकी वजह से आता है एपिक डिस्प्लेज ऑफ एंगर और कंटेम्प्ट जब सामने वाला आपके टैलेंट को
रिकग्नाइज करने से मना कर देता है। हम सबके लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पे हम कुछ अचीव करते हैं और हमारे फ्रेंड्स या हमारी फैमिली या हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या रिश्तेदार उस तरीके से रिएक्शन नहीं देते जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। हमारे अचीवमेंट्स को हम जो रिकग्निशन दिलवाना चाहते हैं कई बार सामने वाला वैसा रिएक्शन नहीं देता, चाहे आउट ऑफ इग्नोरेंस और चाहे मे बी दे जस्ट फेल्ड टू टेक नोटिस ऑफ इट। बट जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंसान होता है वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंटेंस लेके जा सकता है, जो कि ईजिली एंगर आउटबर्स्ट्स में और कंटेम्प्ट्स में और वायलेंट सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपके टैलेंट को ना पहचाना जाए, अगर आपके स्किल सेट को ना पहचाना जाए, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंसान हमेशा उस बात को कुछ ज़्यादा ही दिल पे ले लेता है और कोशिश करता है सामने वालों को डोमिनेट करने का और उनको दिखाने का कि देखो ये मेरा अचीवमेंट है, इधर यू रिकोगनाइज दिस और आई एम गोइंग टू गेट अगली विथ यू। और वो रिजल्ट करती है इनएबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म में। इनएबिलिटी टू टेक क्रिटिसिज्म जो है या कोई एक सजेशन है फॉर अ चेंज कैन बी पर्सनैलिटी ट्रेट ऑल्सो, वो एक नॉर्मल सा पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है। पर जिनको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है लाइफ में, देर इज नेवर एन इंस्टेंस, वो सिचुएशन उनकी जिंदगी में आ ही नहीं सकती जहाँ पे उनको ये लगता है कि क्रिटिसिज्म एक्चुअली हेल्पफुल हो सकता है, वैल्यूबल हो सकता है और एक्चुअली में सच हो सकता है। ये जो ग्रोइंग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ये उनको रोकता है इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस और टेकिंग एक्यूरेट फीडबैक जो सामने वाला पहुंचा रहा है। फिर सामने वाले को आता है फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट। जिस बंदे को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको हमेशा ये लगेगा कि सिर्फ उसका जो प्रेजेंस है, उनका जो प्रेजेंस है इस दुनिया के अंदर, उसकी वजह से दे आर एंटाइटल्ड, उनको ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए, ज़्यादा रिकग्निशन मिलना चाहिए, जो एक एवरेज इंसान को मिलता है उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए उसको। और कई बार वो अटैच कर देंगे इसको उन स्किल्स और ट्रेट्स के साथ जो उनको लगता है कि ज़्यादा वैल्यूबल है देन अदर्स। होता क्यों है आखिर में सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? हालांकि ऐसा कोई एक सिंगल रूट कॉज अभी तक कोई नहीं ढूंढ पाया कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार क्यों होते हैं लोग, बट कई ऐसे सिम्टम्स, कई ऐसे लिंक्स हैं बिटवीन सर्टन लाइफ अकेरेंसेस, लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को रिलेट करके, जो कि बताते हैं कि उनकी वजह से डेवलप होता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस, पर्टिकुलरली जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ करी या ना करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग हाउ वी बिकम, हु वी बिकम, व्हाट वी बिकम। जो ये 5 से 12 साल का जो टाइम फ्रेम होता है बच्चों की ज़िंदगी का, चिल्ड्रन स्टार्ट सीकिंग वैलिडेशन, उनको एक वैलिडेशन चाहिए होता है। ये वो स्टेज होता है डेवलपमेंट का जहाँ पे एक केयरफुल नेविगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा बेसिक वाला, कि कई बार एक बच्चे को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है अपनी एबिलिटी ऑफ ड्राइंग के ऊपर, कि दूसरे बच्चे या फिर जो केयर टेकर्स हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स के ऊपर। कई बच्चे जो हैं इस चीज़ से डील करते हैं अपने आप के साथ समय बिता के, जबकि दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेवलप कर लेते हैं एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ देमसेल्व्स टू कॉम्पेंसेट जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी है। ये वो बच्चे भी हो सकते हैं जिनके घर के अंदर माता पिता ने शायद कोई फेवरेटिज्म किया हो या फिर उनका कोई गोल्डन चाइल्ड रहा हो। जैसे कहते हैं ना कि सिबलिंग्स में सबसे छोटा वाला बच्चा जो होता है माँ बाप उससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मे बी जो सबसे बड़ा बच्चा होता है या जो मंझला बच्चा होता है उसको इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग आ जाती है, जो कि उनको लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स देयरफॉर बिकम्स अ वे ऑफ गिविंग देमसेल्व्स द वैलिडेशन जो उनको बचपन में मिला नहीं माँ बाप से। अब बात करते हैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वर्सेज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का। इन बोथ द केसेस देर इज़ एन इनएबिलिटी टू एक्यूरेटली सी वंस वर्थ। आपको अपनी ही वैल्यू पता नहीं होती, अपने स्किल लेवल का पता नहीं होता है और लाइकेबिलिटी इन कंपेरिजन टू अदर्स वो आपको पता नहीं होता है। बट द कॉम्प्लेक्सेस कैन मैनिफेस्ट इन डिफरेंट वेज। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रेफर करता है टू द फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी और बींग बेटर, कि आप सामने वाले से बेटर हो, better than most of the people or better than everyone that you have come across, and having an inflated self-worth. आपकी value शायद उतनी ना हो पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा valuable समझते हो। और अगर inferiority complex की बात करें तो ये वो feeling है जहाँ पर आप अपने आप को worthless समझते हो, of being inferior to others. पहला वाला इंसान superiority complex वाला overconfident, और दूसरा वाला इंसान जो है वो हमेशा अपनी abilities को doubt कर रहा होता है ज़िंदगी में। additionally वो इंसान जो superiority complex से लड़ाई कर रहा है, उसके साथ जूझ रहा है, वो कई बार ही अपनी low esteem वाली feeling को छुपाते भी हैं, अपना जो self worth
लो सेल्फ वर्थ जो उनको फील होता है कई बार इंटरनली, उसको छिपाते भी हैं। जबकि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला इंसान जो है वो अपने एम्बिशंस और अपने एस्पिरेशंस को छिपाता है, कि वो कोशिश करते हैं कि उनका जो भी अचीवमेंट है छोटा या बड़ा वो सामने वाले को दिखाई ना दे, बिकॉज दे थिंक दैट दिस is not enough, this was not enough, this will never be enough. चूंकि आपको difference पता चल गया, तो अब आपको बता देता हूँ कि इससे deal कैसे करते हैं. Dealing with someone जिसको superiority complex है require करता है बहुत ही ज़्यादा patience और बहुत ही ज़्यादा empathy. सुनने में obviously it sounds difficult, क्योंकि सामने वाला एक angry, एक violent और एक over confident इंसान है. But let me assure you, इट इज़ ऑल वर्थ द शॉट. आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि सामने वाला इंसान जो कि सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है इस टाइम पे, एक टेरिबल पेन से गुजर रहा है. इन द मोमेंट्स दे आर बिहेविंग ऑब्नॉक्शियसली, या फिर जब वो गुस्सा कर रहे हैं, जब वो वायलेंट हो रहे हैं, और वेन दे आर बींग बोस्टफुल और डिसमिसिव, उस टाइम पे वो एक्चुअली में एक इंटरनल स्ट्रगल से गुजर रहे हैं. इट मे बी डिफिकल्ट टू एम्प्लॉय एम्पैथी. आप शायद अपनी एम्पैथी को कम्प्लीटली डिप्लॉय ना कर पाओ वहाँ पे, पर्टिकुलरली अगर आप खुद उनका गुस्सा झेल रहे हो उस टाइम पे. बट अगर आप कोशिश करोगे, इट हेल्प्स. हालांकि आप पेशेंस दिखा रहे हैं, एम्पैथी दिखा रहे हैं, पर आपको ध्यान ये भी रखना है कि आपको उनके जो उनके ग्रैंडियोज हैं, ग्रैंडियोज विजन्स ऑफ देमसेल्व्स, आपको उनको एंटरटेन नहीं करना है. इंस्टेड टेल देम समथिंग दे आर ट्रूली गुड एट, जो एक्चुअली में आपको लगता है कि उनका अच्छा क्वालिटी है, अच्छा स्किल सेट है, आप उसके बारे में बताएं और बैलेंस आउट करने की कोशिश करें. समथिंग दैट मे बी मोर एक्यूरेट, जो एक्चुअल में एक फैक्ट है. उनका जो इल्यूजनरी थॉट प्रोसेस अपने बारे में, उसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि आप उनको फैक्ट्स के साथ चीज़ों को डील करें. इफ दे बिकम अब्यूजिव, हर्टफुल और एग्रेसिव, टेल देम दैट दे आर बींग अनकाइंड और एरोगेंट. Talk to them. अगर आप चाहते हो कि आप उनको उनकी वीकनेस रिकग्नाइज करवाओ, इट विल बी अ गुड आइडिया नॉट टू टेयर डाउन देयर सेल्फ एस्टीम, बट रादर शो देम द एरियाज दैट दे कैन वर्क ऑन स्लोली एंड स्टेडीली. आप इन रेसेस को स्प्रिंट की तरह नहीं खेल सकते, आप इसमें मैराथन के लिए हो, और वो मैराथन तभी होगा जब आप उनको पॉइंट टू पॉइंट आराम से चीज़ों को समझाओगे, विदाउट ब्रेकिंग देयर ओवर कॉन्फिडेंस है, बट आपको उनका ओवर कॉन्फिडेंस एक रात में ही नहीं तोड़ना है, यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट. बॉटम लाइन ये है कि आपको अगर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इट डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन कि आप एक खराब इंसान हो, या आपको दुनिया से अलग कर दिया जाना चाहिए, या आपसे कोई बात नहीं करेगा, या आप अगर किसी ऐसे इंसान को जानते हो तो आप उसको ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ से दूर कर दोगे. अगर आपके पास सही टूल्स हैं तो आप इस रास्ते से आराम से निकल सकते हो, अपने जीवन को सही बना सकते हो. यू कैन लीड अ हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद दोज अराउंड यू, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली खुद के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है. इफ़ यू हैव कंसर्न्स, टॉक टू पीपल. अगर आप नार्सिसिस्टिक हो, यू नीड टू रियलाइज इट एट टाइम्स, और आप सामने वाले से बात करो, जिससे भी आपका प्रेम मिलाप है, जिससे भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट फैक्टर आप शेयर करते हो, उनके साथ इन सब चीज़ों के बारे में बात करो. बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपको पता है कि आप नार्सिसिस्ट हो, अगर आपको पता है कि आप अपने सामने दुनिया को कुछ भी नहीं समझते, अपने आजू बाजू वाले सारे इंसानों को अपने से नीचा समझते हो, यू आर सफरिंग फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. मैं अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिनको, और वो विक्टिम कार्ड खेल के उस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ा रहे होते हैं, विच इवेंचुअली इफ़ नॉट टुडे इवेंचुअली वो आपकी लाइफ में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. तो अगर आप अपने 20 साल 25 साल बाद की लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हो, मेक श्योर यू सीक आउट हेल्प, मेक श्योर यू लेट पीपल एंटर इनटू योर लाइफ एंड लेट देम हेल्प यू. तो ये था छोटा सा वीडियो टॉकिंग अबाउट सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और कैसे उससे डील किया जा सकता है, कैसे सेल्फ रियलाइजेशन किया जा सकता है, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप. अगर आप सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हराना चाहते हो, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप that you need to actually realize. तो वो सेल्फ रियलाइजेशन को रियलाइज करने के लिए अपने मन से ही सच्चे तरीके से बात करनी होगी, और अगर आप वो नहीं कर पाओगे, then I'm really sorry to say, it might be a difficult time that you might be looking at in the future. अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल हो, कमेंट करके या ईमेल करके या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज करके, यू कैन गेट इन टच विद मी. इंस्टाग्राम का आईडी आपको ऑलरेडी पता है, स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो चुका है, ट्विटर आईडी फ्लैश हो चुका है. ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना. पहली बार अगर चैनल पर जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज़ वीडियो. कल शाम को 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल के ऊपर स्टाइलर ब्लॉग्स पे. तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय.